हाँ उत्साह पूर्वक रहते हैं, ज़्यादा तो बात नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा बिजी है इस टाइम पे, क्योंकि रात के ढाई ढाई तीन तीन बजे तक आते हैं, सोने को टाइम नहीं होता। जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो तो शाम हो, चाहे वो भिवानी हो, चाहे नारनौल हो, बाड़ला हो, नांगल चौधरी हो, बहुत लोगों में उत्साह है। लोगों के बीच में तो मैं देखता हूँ वो बड़ी स्माइल के साथ रहते हैं, घर पे भी ठीक ठाक रहते हैं इतने सारा प्रेशर के बाद? बिल्कुल बहुत अच्छे से रहते हैं कभी प्रेशर ज़्यादा नहीं, घर में भी बहुत अच्छे से रहते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि एज के बावजूद वो यूथ के जैसे ही है, तो खाने में ऐसा क्या देते हैं कि इतने एक्टिव रहें? बहुत कम खाते हैं। अच्छा। हाँ बहुत कम। मेरी टीम पहले से है, विधानसभा इलेक्शन के टाइम से मेरी अलग से टीम है, नारी के सम्मान के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए, संविधान के बचाने के लिए। साथ मौजूद हैं संध्या दान सिंह, राव दान सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से। उनकी पत्नी बहुत सारा काम है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारा काम जो जब वो चुनाव प्रचार में चले जाते हैं तो वो संभालते हैं, तो क्या कुछ चुनाव का उनको लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है, ये जानने की कोशिश करें। कैसे हो गई? ठीक है, बिल्कुल ठीक। चुनाव का कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, जीतेंगे। राव साहब ने विधानसभा चुनाव लड़े थे, पहली बारी लोकसभा लड़ रहे हैं, तो एरिया बहुत बड़ा हो गया होगा, तो ऐसे में लोगों का भी ज़्यादा आना जाना होगा, तो किस प्रकार से हैंडल हो? अभी तक तो हैंडल हो रहा है बहुत अच्छे से, कोई परेशानी नहीं है, बड़ा हो छोटा हो सब कर लेते हैं हैंडल। ऐसे तो व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा होगी, दान सिंह से जब आपकी बात होती हूँ तो क्या बताते हैं कुछ, ये उत्साहपूर्वक रहते हैं? हाँ उत्साहपूर्वक रहते हैं, ज़्यादा तो बात नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा बिजी है इस टाइम पे, क्योंकि रात के ढाई ढाई तीन तीन बजे तक आते हैं, सोने को टाइम नहीं होता, तो बहुत उत्साह है लोगों में। और यहाँ पर जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो तो शाम हो, चाहे वो भिवानी हो, चाहे नारनौल हो, बाड़ला हो, नांगल चौधरी हो, बहुत लोगों में उत्साह है। मेरे ख्याल से 7-8 बजे निकल जाते होंगे, रात को 12-1 बजे जाते होंगे? नहीं नहीं 12 बजे नहीं आते, 12 बजे नहीं आते, 2-2.5 बजे आते हैं और सुबह जल्दी, वो अर्ली राइजर तो पहले से है, बहुत जल्दी उठते हैं, चाहे वो 2:30 बजे आए, 3 बजे आए, सुबह 5 बजे वो उठ जाते हैं। 5 बजे नींद पूरी करनी है? नहीं नहीं, उनको 5 बजे का उठने का है और 5:30 बजे तक अपना बाहर निकल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और 7 बजे तक उनका रूटीन है, अपना नहा धो के निकल जाते हैं। लोगों के बीच में तो मैं देखता हूँ वो बड़ी स्माइल के साथ रहते हैं, घर पे भी ठीक ठाक रहते हैं इतने सारा प्रेशर के बावजूद? बिल्कुल बहुत अच्छे से रहते हैं कभी प्रेशर ज़्यादा नहीं, घर में भी बहुत अच्छे से रहते हैं, कभी किसी को डांटते वाटते नहीं है। पिछले चुनाव में उनके साथ था, रात के लगभग 11 बजे थे और लोगों से बातचीत करते करते मैंने देखा कि वो बैठे बैठे कुर्सी पे सो गए, तो ऐसे में ये तो चिंता रहती है, एक भी थक जाते हैं कुछ और? कभी कभी हो जाता है, क्योंकि बहुत दिनों से सोए नहीं होते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट ऐसे मतलब वो चलते रहते हैं, उनका सोने का बहुत कम है। कई बार लोग कहते हैं कि एज के बावजूद वो यूथ के जैसे ही है, तो खाने में ऐसा क्या देते हैं कि इतने एक्टिव रहें? बहुत कम खाते हैं। अच्छा। हाँ बहुत कम। योगा नहीं, वॉक, अर्ली मॉर्निंग वॉक उनकी रूटीन में, अर्ली मॉर्निंग वॉक 1 घंटे की वॉक उनकी रेगुलर है, वो उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। अभी इलेक्शन में तो छूट गई है, क्योंकि वैसे ही बहुत बिजी टाइम है, बट उनका रूटीन में है 1 घंटे की वॉक, वो 5:30 to 6:30 तक को जरूर करते हैं। अधिकतर देखता हूँ राव साहब की एक अलग टीम चलती है, अक्षत की अलग टीम चलती है, महिलाओं का भी कुछ ऐसा है जो कन्वेंसिंग के लिए? हाँ जी हाँ जी, बहुत मेरी टीम पहले से है, विधानसभा इलेक्शन के टाइम से मेरी अलग से टीम है और वो टीम मेरी हमेशा सक्रिय रहती है, मतलब वो इलेक्शन हो या ना हो वो सक्रिय रहती है, लोगों के लेडीज़ के बीच में वो जाती रहती हैं। इलेक्शन के भी आप नॉर्मली रहते हैं? हाँ नॉर्मल, घर में रहती हूँ बट उनको सक्रिय रखती हूँ। क्या वो रिस्पांस क्या दे रही है महिलाओं का रिस्पांस? अभी बहुत अच्छा आ रहा है, वो मेरी टीम निकली हुई है, अभी भी आए थे थोड़ी देर पहले, वो मिल के गई हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
धर्मवीर सिंह दो बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, बड़े नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के, तो ऐसे में चुनाव टफ लगता है या कुछ दूसरे वो दिखता है? हर चुनाव का अपना समीकरण होता है। आज दूसरा समीकरण है, नारी के सम्मान के लिए है, बच्चों के रोजगार के लिए है, संविधान को बचाने के लिए है, ये अलग ही मुद्दे हैं। और मेरे हमारे जो विधानसभा इलेक्शन होते थे उसमें मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन आज हमारे को सेंटर के मुद्दे देखने पड़ रहे हैं और उसमें अलग ही है, तो उनका अलग है हमारा अलग है। आजकल राजनीति में जातीय समीकरण की बड़ी बात रहती है, राव साहब के साथ भी ऐसा है कि कम्बिनेशन बनाना पड़ता हो या फिर सब कुछ ठीक चलता है? नहीं, 36 बिरादरियों को साथ लेके चलते हैं, उनका कभी ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने हमने और हमारे बच्चों ने जाति पे करवे जात ना, मतलब उनको कभी नहीं, जात ना उनके लिए कोई जात पात की कोई बात नहीं है, कभी कभी नहीं है, उनके मन में भी नहीं आती। अच्छा। नहीं मेरे घर में सब इक्वल है, मैं भी कभी नहीं सोचती ना मेरे बच्चे सोचते हैं इस बारे में, सब कास्ट एक जैसी है। नहीं, उनको उनका भी नहीं आता इस बारे में। फाइनली अगर आप एक अपील करें लोकसभा के लोगों से, क्या कहेंगे, किन मुद्दों पे आप कहेंगे वोट? नारी के सम्मान के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए, संविधान के बचाने के लिए और किसानों के MSP के लिए हमारे कांग्रेस को वोट कीजिए, यही मेरा। बिल्कुल, संध्या दान सिंह मेरे साथ थे और साफ तौर पर लोगों से अपील भी कर रहे हैं। और दान सिंह के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से वो रेगुलर एक्टिव रहते हैं। खैर, ये भी है कि यही वजह है कि वो एक्टिव रहते हैं, उन्होंने कभी उम्र को अपने ऊपर आने ही नहीं दिया। खैर, आप लोग दान सिंह को जानते हैं तो उनको लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे से अरविंद के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।